हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। एक सवाल जो कि एक हमारे व्यूअर हैं उनके मन में है कि अगर एक ही पार्टी, ध्यान से समझिएगा, टैली प्राइम के अंदर या टैली ईआरपी 9 के अंदर एक ही पार्टी है और वो पार्टी हमारी क्रेडिटर पार्टी भी है और इसके साथ साथ हमारी डेटर पार्टी भी है। समझा आपने क्वेश्चन? यानी एक ही पार्टी है और वो हमारी क्रेडिटर पार्टी भी है और डेटर पार्टी भी है, तो ऐसे में एंट्रीज कैसे पॉसिबल होंगी और कहाँ क्या रखेंगे, कैसे क्या होगा, इसी की बात वो पूछ रहे हैं। तो इसको आइए समझ लेते हैं कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले वी बटन प्रेस करते हैं, वाउचर में आते हैं और यहाँ से अभी हम परचेज की बात करते हैं। तो ये आ गया परचेज वाउचर में। अब ये आइटम, नेम ऑफ आइटम आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर है, उसे डाल दीजिएगा और एंटर करिएगा और यहाँ पर आइएगा नीचे और यहाँ से एक, सबसे पहले हम डेटर पार्टी का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राजेश, सॉरी क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाएंगे, डेटर नहीं क्रेडिटर। तो यहाँ पहचान के लिए मैंने सी लिख दिया है, केवल पहचान के लिए मैंने लिखा है सी, या फिर आप यहाँ पर सप्लायर भी लिख सकते हैं। तो राजेश सप्लायर कर दिया, तो सप्लायर लिख करके एंटर कर दीजिए। जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप। अब आपको ये लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ से आपको चूज करना है। क्या चूज करना है? तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर चूज करना है, एस प्रेस कीजिएगा। कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है? एस प्रेस करना है। एस प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एस वाले सारे ग्रुप हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। हमें सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लेना है। बाकी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन चालू रहना चाहिए, ठीक है? फिर एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और इनकी जो भी डिटेल है, अब इनका एड्रेस है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें फिल कर लीजिएगा और फिल करते हुए आइएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। इनका जीएसटी आईएन भी डाल दीजिएगा। फिलहाल मैंने इस वीडियो में जीएसटी आईएन को स्किप किया है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा और एक्सेप्ट कराते ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर ये डिस्पैच थ्रू किसके साथ जा रहा है, किस चीज से जा रहा है सामान, ये तमाम डिटेल यहाँ पर आती है और मोटरसाइकिल या व्हीकिल का नंबर वगैरह आता है और यहाँ पर जीएसटी आईएन इनका आता है। ये सब डालते हुए आगे बढ़िएगा और यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, लगा लीजिएगा। लगा लिया। अब ये देखिए, ये जो है राजेश सप्लायर है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? राजेश सप्लायर है। तो अब यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम रहा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए बेसन रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बेसन है तो यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 300 किलो बेसन की बात करते हैं, एक किलो खरीद रेट 65 रुपए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, आप 4, 5, 10, 20 प्रोडक्ट भी इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं जीएसटी नहीं लगा रहा, सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये एंट्रीज किस तरीके से पास होंगी, ठीक है? यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हैं, नरेशन को भी अभी स्किप करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हो गई एंट्री, यानी आपने एक एंट्री ऐसी की जो कि सप्लायर पार्टी की थी। अब यहाँ पर हमें डेटर पार्टी की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे सेल्स वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर देंगे रेफरेंस नंबर। तो ये रेफरेंस नंबर दिया हमने, एंटर किया। अब डेटर पार्टी भी सेम है, यानी राजेश सप्लायर ही हमारी डेटर पार्टी भी है। तो यहां पर अगर हम आते हैं और यहां पे दे देते हैं राजेश, अब देखिए यहां पर आपको एक अलग से लेजर बनाने की जरूरत है। तो यहां पे राजेश और इस बार मैं लिख देता हूं कस्टमर, CUSTOMER। तो ये राजेश कस्टमर हो गया और इसका ग्रुप चेंज कर दीजिए, सन्ड्री डेटर कर दीजिए। तो ये डेटर आ रहा है नीचे, संडी डेटर, इसको चूज करके एंटर करके, एंटर करके और इसे करा लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है? अब ये एड्रेस वगैरह जो भी है वो फिल कर लीजिएगा आप, इसको भी एंटर करके, एंटर करके, एंटर करके और एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, एंटर करिए। यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाएगा और सेम वही प्रोडक्ट भी है, तो बेसन जो प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट की बात भी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वही प्रोडक्ट आ गया, तो कर दिया। बाकी यहाँ पे जीएसटी वगैरह लगा लीजिएगा और सारी चीजें, सारी डिटेल भर लीजिएगा। दोनों का बिल जो है किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये परचेज वाला बिल है हमारा, ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा बिल है। अल्ट पी करके एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा। तो ये परचेजिंग का बिल, देखिए ये परचेजिंग का बिल आ गया। और सेल्स वाला बिल कहाँ है? तो देखिए ये सेल्स वाला बिल है, यहाँ पर आते हैं ऊपर आपको सेल्स वाला बिल दिख जाएगा। यानी एक ही पार्टी एक ही है हमारी और इस तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हैं, सैंडिडेटर की भी और क्रेडिटर की भी। देखिए ये डेटर पार्टी वाली एंट्री है। तो इस तरीके से एंट्रीज हो जाएंगी, उम्मीद करता हूँ इससे काम आसान हो जाएगा आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।